तो दोस्तों, आज हम लाए हैं कंस्ट्रक्शन के काम में इस्तेमाल होने वाली मजेदार मशीनों और तकनीकों की जानकारी लेकर, जो कि वाकई में आपका काफी ज्ञान बढ़ाने वाली हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा जरूर देखिएगा, ताकि आप कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी मिस न कर दें। आज के समय में बहुमंजिला इमारतों के निर्माण के दौरान उनमें बनने वाली सीढ़ियों को फैक्ट्री में तैयार किया जाता है। यहाँ इस खास सांचे के अंदर उन्हीं सीढ़ियों को तैयार किया जा रहा है। कारीगर इसके अंदर सरियों की लेयर को बिछा देते हैं और इसके बाद इन सरियों की लेयर के ऊपर लकड़ी के सांचों को सीढ़ी में स्टेप तैयार करने के लिए फिक्स कर दिया जाता है और फिर इसके ऊपर कंक्रीट का मिक्सचर डाल दिया जाता है। और उस कंक्रीट के मिक्सचर के सूख जाने के बाद यह सीढ़ी बनकर तैयार हो जाती है, जिसके बाद इसे उठाकर बिल्डिंग में लगाने के लिए ले जाया जाता है। डूइंग लाइट इटालिया, यहाँ यह शख्स इस लचीली धातु की शीट को एक गोल बेलन का आकार दे रहा है और जिसका काम सूरज की रोशनी से रिफ्लेक्शन के द्वारा घर को रोशन करने का होता है। इस प्रकार का टूल उन लोगों के लिए काफी फायदेमंद होता है जिनके घर के अंदर रोशनी का कोई स्रोत नहीं होता और जहाँ वे केवल दिन के समय ही जाते हैं, तो वहाँ इस टूल को लगा देने से उनका वह स्थान किसी बल्ब के द्वारा घर को रोशन करने की भांति रोशन होने लगता है। इस धातु की शीट को गोल बेलनाकार रूप दे देने के बाद इसी के साथ आने वाले टूल, जो कि उपकरण का मुख्य भाग होता है, को इस बेलनाकार शीट के साथ फिक्स कर दिया जाता है। और जिसके बाद इसे छत पर फिक्स करने के लिए चिमनी जैसा छेद पहले से तैयार कर रखा होता है और वहाँ इसे लगाने के लिए उसके ऊपर शक्तिशाली ग्लू का इस्तेमाल किया जाता है और इस लंबे बेलनाकार टूल को टिका दिया जाता है। और जब इसके अंदर वाले भाग को भी फिक्स किया जाता है तो घर के अंदर मानो किसी बड़े बल्ब की भांति रोशनी होने लगती है। फेंस सिस्टम्स KFT, इस प्रकार की तकनीक शायद ही आपने पहले कभी देखी होगी। यहाँ दीवार की जगह लोहे की पतली तारों से बनी जाली का इस्तेमाल किया जा रहा है। खोखले आवरण वाली इन जालियों के अंदर बाद में मोटी बजरी को डाला जाता है। इस प्रकार की दीवार दिखने में विचित्र तो लगती ही है, साथ ही साथ इसकी कुछ विशेषताएं भी हैं। जिन इलाकों में धूल मिट्टी इत्यादि काफी ज्यादा उड़ती है, तो इस प्रकार की दीवार के लगने से वह धूल मिट्टी इस जाली में ही फंस जाती है और घर के अंदर नहीं आती। यही नहीं, इस प्रकार की जाली वाली दीवार का रखरखाव भी काफी आसान होता है, क्योंकि लोहे की जाली एवं बजरी से बनी इन दीवारों पर प्लास्टर पेंट इत्यादि करने का झंझट भी नहीं रहता। इसके साथ साथ इन्हें बनाने का खर्च दूसरी कंक्रीट वाली दीवारों से भी काफी कम आता है। इसे लोग ना केवल दीवारों पर इस्तेमाल करते हैं, बल्कि घर के गेट के लिए भी इसी लोहे की जाली और बजरी का इस्तेमाल करते हैं, जिससे घर को एक अलग ही रूप प्रदान होता है। पाइप लाइफ इंटरनेशनल GmbH, कंस्ट्रक्शन के काम के दौरान जब मोटी मोटी बिजली इत्यादि की तारों को किसी छेद से निकाला जाता है, तो उस जगह को स्थिर बनाना काफी अनिवार्य होता है, ताकि उन तारों को किसी कारणवश खींचने पर वे खराब ना हो जाएं। तो ऐसे में उस छेद के अंदर तारों के ऊपर नीचे गोल रबर के टुकड़ों को रखा जाता है, साथ ही साथ उन तारों के ऊपर भी उस रबर को चढ़ा दिया जाता है। और उसके पश्चात इस कंपनी द्वारा बनाया गया खास द्रव, जिसे एक बड़ी पिचकारी नुमा टूल की मदद से इस छेद में भरा जाता है। इसे पूरी तरह भर देने के बाद इस द्रव को कारीगर दबा दबा कर दीवार के बराबर समतल कर देता है। बूबा रेसिन प्रोडक्ट्स, पानी के इस फर्श पर गिरते ही यह फर्श तुरंत ही सूख जाता है। ऐसा आम फर्श के साथ संभव नहीं हो सकता, तो यहाँ कुछ इसी प्रकार के खास फर्श को तैयार करने के लिए जमीन पर पहले अनेक छेदों वाले प्लास्टिक की शीट को बिछाया जाता है, जो ऊंचाई में 1 से 1.5 इंच ऊंचा भी होती हैं। इसके पश्चात इसके ऊपर कारीगर बारीक बजरी को डालता जाता है। इसके पश्चात इस कंपनी द्वारा बनाया गया खास इपोक्सी रेसिन नामक द्रव, जिसे इसी बारीक बजरी के साथ मिक्स करके एक मिक्सचर को तैयार कर लिया जाता है और उसके बाद कारीगर इस मिक्सचर को नीचे बिछाई गई प्लास्टिक की शीट के ऊपर डाली गई बजरी के ऊपर डालता जाता है और साथ ही साथ उसे समतल भी करता जाता है,
क्योंकि अगर ऐसा ना किया जाए तो वह तुरंत ही ठोस हो सकती है, तो उसे तुरंत ही समतल कर फर्श का रूप दे दिया जाता है। और उसके बाद इस फर्श के ऊपर आप वह सभी प्रकार के क्रियाकलाप कर सकते हैं जो दूसरे आम फर्श पर आप करते हैं, लेकिन इसके ऊपर पानी टिकता नहीं है क्योंकि वह इसके नीचे लगी प्लास्टिक की जाली में पहुंचकर बाहर निकाल दिया जाता है। स्टोन रैप, यह शख्स इस बॉक्स में से कुछ पत्थर के टुकड़ों को बाहर निकालता है जो पहली नज़र में किसी पत्थर की ही भांति प्रतीत होते हैं, मगर इन्हें कृत्रिम रूप से फैक्ट्री में तैयार किया गया होता है। इस प्रकार के कृत्रिम पत्थरों को कई लोग अपने घरों के अंदर दीवारों पर लगवाते हैं दीवारों को एक अलग रूप देने के लिए। तो यहाँ कारीगर कंक्रीट मिक्सचर को तैयार कर लेने के बाद इन कृत्रिम पत्थरों को दीवार पर लगाता जाता है। इन्हें दीवार पर लगाना तो सरल होता है, मगर इसे लगाने वाले कारीगर का भी इस काम में थोड़ा माहिर होना अनिवार्य होता है, ताकि इन अलग अलग प्रकार के पत्थरों को वह दीवार पर लगाकर एक सही डिज़ाइन उभार सके। इन्हें दीवार पर लगा देने के बाद इनके जोड़ों वाले भाग को एक शंकुनुमा कीप में सीमेंट डालकर भरा जाता है दीवार को फिनिशिंग प्रदान करने के लिए। और इसके बाद कारीगर ब्रश इत्यादि से इसे साफ कर इसे अंतिम फिनिशिंग दे देते हैं, जिसके बाद यह दीवार अत्यंत आकर्षक प्रतीत होती है। पावर कर्वर्स एंड पावर पेवर्स, सड़क किनारे बनाए जा रहे इस नाले के लिए एक बड़ी ही क्रांतिकारी मशीन को इस्तेमाल में लाया जा रहा है। सड़क के किनारे नाले के तल को बना देने के बाद इस मशीन के माध्यम से दोनों तरफ की दीवारों को बनाया जा रहा है, जिसके लिए नाले के दोनों तरफ पहले से ही सरियों की लेयर को खड़ा कर रखा होता है, जिसके बाद इस मशीन में निरंतर कंक्रीट के मिक्सचर को डाला जाता रहता है और यह मशीन धीरे धीरे चलते हुए उन खड़े किए गए सरियों के ऊपर कंक्रीट मिक्सचर को भरती जाती है और साथ ही साथ उन्हें ठोस भी करती जाती है। और यही नहीं, इसी मशीन के साथ साथ चल रहे कारीगर कंक्रीट से बनी इस नाले की दीवारों को अंतिम फिनिशिंग भी देते जाते हैं, जिससे एक ही दिन के अंदर नाले को तैयार किया जाता रहता है। इस प्रकार की मशीन के लिए कारीगरों की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती और केवल 3 से 4 कारीगरों की मदद से ही पूरे नाले को बना लिया जाता है और काम पूरा हो जाने के बाद फिनिशिंग भी जबरदस्त आती है। साइवर्ट SE, यहाँ इस कंपनी द्वारा इपोक्सी रेसिन नामक द्रव का प्रयोग करके सीढ़ियों को अंतिम फिनिशिंग दी जा रही है। कारीगर सीढ़ी की सतह पर शक्तिशाली ग्लू लगाता जाता है और फिर कारीगर इसके ऊपर बनाए गए इस मिक्सचर को लगाता जाता है। यह मिक्सचर ग्लू के साथ चिपक कर तुरंत ही पकड़ बना लेता है, साथ ही साथ कारीगर इसे समतल कर फिनिशिंग भी देता जाता है। कारीगर पहले सीढ़ी के ऊपर इसे लगाता है, बाद में वह इसे सीढ़ी के साथ वाली जगह पर भी शक्तिशाली ग्लू लगाकर इस मिक्सचर को लगाता जाता है। हालांकि सीढ़ी के किनारों पर पहले से ही एल्यूमिनियम की छड़ें लगाकर रखी गई होती हैं, ताकि इस सीढ़ी के किनारे सुरक्षित रहें इन्हें लगातार इस्तेमाल करते रहने के दौरान। इसके बाद फिर अंत में कारीगर इस कमरे में फर्श को भी तैयार करता है, जिसके लिए वह पहले फर्श को सीमेंट के घोल से चिकना एवं समतल बना लेता है और उसके सूखने पर शक्तिशाली ग्लू को लगाकर उस पर भी प्रोक्सी रेसिन वाला कंक्रीट मिक्सचर डाला जाता है और उसके बाद यह कमरा विचित्र एवं अत्यंत आकर्षक नजर आने लगता है। 3 होमी, आज के समय में कई देशों में कुछ इस प्रकार के ब्लॉक्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। इन ब्लॉक्स को एक विशेष आकार में तैयार किया गया होता है, जिसके कारण जब इन्हें एक के ऊपर एक रखा जाता है तो यह आपस में लॉक हो जाते हैं, जिससे इन्हें आपस में पकड़ बनाए रखने के लिए सीमेंट इत्यादि की आवश्यकता नहीं पड़ती। साथ ही साथ इनके अत्यधिक मोटा होने के कारण एक दीवार को तैयार करने में भी केवल कुछ ही मिनटों का समय लगता है। यूं तो इन ब्लॉक से बनी दीवार मजबूत होती हैं, मगर इन्हें और अधिक मजबूत बनाने एवं इन्हें फिनिशिंग देने के लिए इनके ऊपर प्लास्टर कर दिया जाता है और खिड़की दरवाजे इत्यादि भी लगा दिए जाते हैं, जिसके बाद केवल एक ही दिन के अंदर यह छोटा कमरा बनकर तैयार हो जाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। धन्यवाद।